तो राहुल गांधी आएंगे झारखंड समझ हमारे सीटें बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का वो सीट बढ़ाएंगे यहाँ पर आकर के। जिन जिन इलाका से घूमेंगे उन इलाका में कांग्रेस को और जो जेएमएम है और जो उनके साथ सहयोगी दल उनको हराने का ही काम करेंगे। चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, चाहे आप जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये गौ तस्करी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है तहाँ तहाँ पता कीजिए गौ तस्करी चरम लेवल पर है, वहाँ पे लव जिहाद का मामला सुनने में आपको ज्यादा मिलेगा। जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर आपको बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला ज्यादा मिलेगा। वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन है उनकी पत्नी जो है वो बार बार बोलती है कि मैया सम्मान योजना, अगर इतना ही सम्मान देना पहले अपनी भाभी को सम्मान दे, उनकी भाभी क्यों जेएमएम छोड़कर के भाजपा का दामन थाम लिया है, उनको बुला ले कि आप आइए भाभी जी जेएमएम पार्टी में आपको बनाते हैं आने वाला मुख्यमंत्री। वो नहीं बनेंगे तो उनकी अपनी पत्नी को बनाएंगे और आने वाले समय में उनका जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करना जानते हैं, अपने परिवार को गद्दी में बैठाना जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये गौ तस्करी का पैसा तहसील में व्यस्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा तहसील में व्यस्त है। आपका कहना है कि पारिवारिक पार्टी होने वाला है? पारिवारिक पार्टी है, होने वाला नहीं है। जब जेल गए तो चप्पई सोरेन को बनाए। भोली भाली जनता से यही हम कहना चाहते हैं, जिनको जिनको मैया सम्मान योजना मिल रहा है आप पहले आप ये सवाल कीजिए जो अपने घर का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम बीजेपी के कार्यालय में हैं और आपको पता है कि 2024 विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया और डेट भी आ गया है, और हिंदू के जो लड़ने वाला आज से नहीं कई सालों से इनको देखा जा रहा है कि हिंदुओं के लिए लड़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास अमन बाबा हैं जो बीजेपी कार्यालय में मिले हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि हिंदू के लिए कितना इनको लड़ना मिला वो चीज़ हम। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया, झारखंड से जोहार और जय हिंदू राष्ट्र आपके सभी दर्शकों को। देखिए चुनाव नज़दीक है और औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है, संभवतः कहिए कि आज शाम को या कल ये घोषणा हो जाएगी जो भी प्रत्याशी उनका नाम। बाबूलाल जी ने अनाउंस कर दिया कि कल से हमारी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट हमारा कहां से खड़ा है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज शाम तक ये घोषणा हो जानी है या कल सुबह तक ये घोषणा हो जाएगी, उसके बाद हमारे जितने भी मतलब की भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो मैदान में होंगे। तो आपको एक बात बता रहे हैं कि विपक्ष के पार्टी भी यहाँ पे निकलने के लिए आ रही है, जैसे राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी जी कल यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यहाँ आने से हमको बेनिफिट ही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी आपको हेमंत शर्मा ने कहा था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का आने का, तो राहुल गांधी आएंगे झारखंड समझ हमारे सीटें बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का वो सीट बढ़ाएंगे यहाँ पर आकर। जिन जिन इलाका से घूमेंगे उन इलाका में कांग्रेस को और जो जेएमएम है और जो उनके साथ सहयोगी दल उनको हराने का ही काम करेंगे। आदिवासियों के साथ इतना गलत हो रहा है भैया, हर जगह लोग बढ़ते हैं लेकिन यहाँ घटते जा रहे हैं। देखिए पूरे झारखंड में स्थिति यही है कि चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, चाहे आप जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये गौ तस्करी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है तहाँ तहाँ पता कीजिए गौ तस्करी चरम लेवल पर है, वहाँ पे लव जिहाद का मामला सुनने में आपको ज्यादा मिलेगा। जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर आपको बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला ज्यादा मिलेगा। आप जा करके आप घूम लीजिए, पाकुड़ चले जाइए, आप सिमडेगा चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप दुमका चले जाइए, वहाँ जा करके सारठ चले जाइए, आप समझ गए ना, गोड्डा चले जाइए, वहाँ जाके स्थिति को देखिए किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी जो है एकदम से हावी हुआ पड़ा है हिंदुओं पर, आदिवासियों पर। आदिवासी बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, आदिवासी बहन बेटियों का जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है, ये प्यार के जाल में फंसा करके लैंड जाल का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन है उनकी पत्नी जो है वो बार बार बोलती है कि मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना की बात करती है तो सम्मान पहले वो अपने घर में दे। उनकी भी तो तीन तीन भतीजी है, जय श्री है, विजय श्री है, एक और है ना मुझे याद नहीं आ रहा, तीन तीन भतीजियां उनकी है, एक भाभी है, उनका सम्मान दे देना। अगर इतना ही सम्मान देना पहले अपनी भाभी को सम्मान दे, उनकी भाभी क्यों जेएमएम छोड़कर के भाजपा का दामन थाम लिया है, उनको बुला ले कि आप आइए भाभी जी जेएमएम पार्टी में आपको बनाते हैं आने वाला मुख्यमंत्री। तो नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनना उनको खुद है, वो नहीं बनेंगे तो उनकी अपनी पत्नी को बनाएंगे और आने वाले समय में उनका जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करना जानते हैं, अपने परिवार को गद्दी में बैठाना जानते हैं। ये यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूल वासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये गौ तस्करी का पैसा तहसील में व्यस्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा तहसील में व्यस्त है, पेपर लीक करा करके विद्यार्थियों जो अमीर विद्यार्थी है उनसे पैसा तहसील करके नौकरी दे रहे हैं, ये व्यस्त है। आपका कहना है कि पारिवारिक पार्टी होने वाला है? पारिवारिक पार्टी है, होने वाला नहीं है।
जब जेल गए तो चंपई सोरेन को बनाए। जेल की जब बात करें तो बोल रहे हैं कि अब हमारा 100 दिन से ज्यादा हो गया, बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाला है। 100 दिन से ज्यादा उनका हो गया है, बता रहे हैं कि 100 दिन तक हम लोग जो बवंडर मचाए और बवंडर मचाएंगे जनता के बीच में आकर के, गौ तस्करी से पैसा तस लेंगे, अवैध कोयला खनन से पैसा तस लेंगे, यहाँ के मतलब की पेपर को लीक करके नौकरी को बेच करके पैसा तसलने का काम करेंगे, है ना। ये बता रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए और फिर भोली भाली जनता है उसको ठगने का काम करेंगे। भोली भाली जनता से यही हम कहना चाहते हैं, जिनको जिनको मैया सम्मान योजना मिल रहा है, आप पहले आप ये सवाल कीजिए जो अपने घर का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी के सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या होगा इलेक्शन को लेकर, क्योंकि युवा बहुत बेरोजगार हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसका मुद्दा जब भी होना चाहिए तो वो मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर रोजगार को लेकर के, यहाँ के विस्थापितों को लेकर के, झारखंड में जो ये अवैध खनन में जो लूट हो रहा है उस पर रोक लगे, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों का निवेश होना चाहिए, बाहर बाहर से कंपनी जाकर यहाँ प्राइवेट जॉब मिलना चाहिए लोगों को, साथ में रोजगार पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब अगर और साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी है, उसके जो पीछे के रास्ता घुसने का कार्य कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये होना चाहिए। और खास करके विशेष हिंदुओं के लिए पैकेज लाना चाहिए भारतीय जनता। देखिए मैं हिंदुत्व का कार्य करता हूँ, मैं देखता हूँ किस प्रकार से बजरंग दल के कार्यकर्ता हूँ, सड़क पर जब गौर अच्छा के लिए निकलते हैं उन्हें झूठा केस में फंसा के जेल भेजने का काम किया जाता है, तो वैसे वैसे बजरंग दल के और हिंदू संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष पैकेज भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, जो दिन और रात राष्ट्र भारत माता की सेवा में गौर अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज देना चाहिए, उन्हें महीना में कुछ धन देना चाहिए। आपको भी लगता है जी कि बीजेपी आएगा तो कुछ अच्छा होगा, लगता है ऐसा? बिल्कुल हम लोग, आपको भी लगता है अंकल? हाँ हाँ, कौन सा निमिषन शुरू हो रहा है, क्या चल रहा है तैयारी? जो देश को सुरक्षा के लिए वो मोदी जी कर रहे हैं, वो झारखंड में भी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जो ऐसे आदिवासी जमीन को जो हड़पने के लिए और दूसरे ब्लॉक दूसरे एरिया में जो हेमंत सोरेन ने कर रहे हैं ना, ये सब नहीं चलेगी। इनका आज 6-7 बोल रहे हैं कि हम जेल से निकले हुए 100 दिन हो गया, बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो गया। अब जनता दरबार में किया है, सब नाकाम किया है। अब राशन के लिए जो 6-7 साल उम्र वाला जो बच्ची को अब तक राशन में उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए इनका साफ तौर से कहना कि अगर बीजेपी इस बार अगर यहाँ चुनाव निकालती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस होगा तो युवाओं पे होगा। युवाओं यहाँ से जो बाहर स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं प्राइवेट फॉर कंपनियां, वो कंपनी यही हम लगाएंगे और यही आके जॉब करेंगे। ये सारी चीजों के लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे सशस्त्र न्यूज। ठीक था, कल से आपका निमिनेशन शुरू हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? उत्साह है, 5 साल का महापर्व है ही, खास करके राजनीतिक पार्टियों के लिए और झारखंड की जनता पे भी इस बार उत्साह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। तो इंडिया गठबंधन भी टारगेट करने के लिए आ रही है, तेजस्वी जी राहुल गांधी सारे उतर रहे हैं कल मैदान में। देखिए सरकार उन्होंने 5 साल अभी चलाया है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने मिलकर के चलाया है, यहाँ के युवा ठगे गए हैं, यहाँ की महिलाएं ठगी गई है, किसान को ठगा है, दलित आदिवासी के अस्मिता को महिलाओं को इन्होंने ठगने का काम किया है, इन्होंने मैया सम्मान योजना जो चलाया है इसमें भी इन्होंने ठगने का काम किया है। अभी आप देख लीजिएगा चुनाव के, जैसे अभी चुनाव पूर्व जो महीना में लोगों एक बार एक किस्त गया है, दूसरा किस्त भी बहुत लोगों के तक पहुंचा नहीं है। रहमान जी तो बोलते हैं कि सारा नया योजना हमने ही लाया है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो जाए या मान के चलो स्कॉलरशिप हो जाएगा, सारा हेमंत जी ही लेके आए। हम लोग जैसे गोगो देवी योजना चालू की है वैसे ये लोग क्या किए, जब 2100 हम लोगों ने ऑफर किया तो ये लोग डबल 2500 किया, यानी कि इनकी मानसिकता पहले से ही गलत ये थी। मैं कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन पहले अकेले थे, बंटी के रूप में देश झारखंड को लूटने का काम कर रहे थे, अब उनके साथ बबली भी आ गई है, बंटी और बबली दोनों मिल करके झारखंड को इस 5 साल लूटने का काम किया है। इस बार जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव है, 50 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार की सरकार भाजपा बनाएगी। चलिए इनका कहना है कि 50 से ज़्यादा हम यहाँ पे सीट निकाल रहे हैं और इस बार आपको कुछ नया दिखेगा, जो बीजेपी जो अनाउंसमेंट जो किया था बीजेपी के युवाओं के लिए हमने ये काम करना है वो पूरा करेगा।